प्रसिद्ध देवस्थल माता टेकरी को जिला प्रशासन व शासन ने दुल्हन की तरह सजा दिया है। आपको बता दें, प्रसिद्ध देवस्थल माता टेकरी पर माँ चामुंडा भवानी, माँ तुलजा भवानी के दर्शनों को लेकर लाखों की संख्या में नवरात्रि पर दर्शन करने श्रद्धालु पहुँचेंगे। वहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने इस बार चकाचौंध व्यवस्था कर रखी है। वहीं लगातार माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता आज से ही लगना शुरू हो गया है। इस नवरात्रि में लाखों की संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद। सर, नवरात्रि को लेकर के किस तरह की तैयारियां जिला प्रशासन की? सर्वप्रथम तो मैं आपको माँ चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति जिला प्रशासन की तरफ से कल से प्रारंभ होने वाली शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। इस बार जो माता का पर्व रहेगा वो हमारे देवास शहर के लिए बहुत ही अलौकिक और अविस्मरणीय होगा। पहले तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। प्रमुख कारण इसका एक ये भी है कि गौरव दिवस, प्रथम गौरव दिवस देवास का 26, 27, 28 तारीख को होने वाला है, जिसमें कि बहुत सारी गतिविधियाँ अलग से प्लान की गई हैं। हम लोगों ने, जहाँ तक व्यवस्था की बात आती है, तो हमने जो नवरात्रि की व्यवस्थाएँ हैं, हमने जो हमारी रेगुलर अरेंजमेंट्स होते हैं उनको और सुदृढ़ और व्यवस्थित किया हुआ है। विशेष बिंदु हमारे इस बार जो रहेंगे इसमें नवरात्रि में 9 दिन में, वो हमारी लाइटिंग, जैसे आपको पता है कि हम हर वर्ष अच्छी दिखने वाली लाइटिंग करते हैं, जो कि नीचे से बहुत अच्छी दिखती है, हमने उस पर बहुत अच्छा ध्यान, विशेष ध्यान किया है। और इसके बाद लेज़र्स के कुछ हमने एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, पहाड़ी और अच्छी लगेगी। फिर हमने जो सफाई, साफ सफाई, हमारी आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था, कोशिश ये है कि पूरा 9 दिवस में जो भी लोग बाहर से आते हैं अच्छा अनुभव लेके जाएं और लोगों को ये बताएं कि देवास में मंदिर में आपको जाना चाहिए। और आपके अथक प्रयास लगातार जारी थे, आपकी टीम के प्रयास जारी थे, एक अलग ही सौंदर्यकरण टेकरी को देखने को मिला है, क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, ये सामूहिक प्रयास होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हम कई समय से करते आ रहे थे, कुछ बड़े डेवलपमेंट कार्य, हमने जैसे पहले मास्टर प्लान मंदिर का हमारा बना हुआ है, उसके प्रथम फेज में हमने जो आपने देखा होगा जैन मंदिर के सामने जो प्रांगण बना है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे परसों, वो है। फिर धीरे धीरे हम फेज में जो बड़े स्ट्रक्चर्स हमारे बनने वाले हैं उनके पे काम करेंगे। एक सुनियोजित तरीके से मंदिर का विकास किया जा रहा है, तो कुछ चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म में होती हैं और कुछ चीज़ें नवरात्रि स्पेसिफिक होती हैं। नवरात्रि में हम लोगों ने IT बहुत इंट्रोड्यूस किया है, हमारा एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि दूर दूर से लोग, मध्य प्रदेश के बाहर से भी लोग, हमारे लोगों तक हमारे मंदिर की ख्याति पहुंचे और वो यहाँ पे आके दर्शन करें। क्या आम जनता के लिए क्या मैसेज है? आम जनता के लिए मैसेज है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें, मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेके जाएंगे और वो एक आपके लिए यादगार नवरात्रि रहेगी। थैंक यू।